हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। रोज की तरह मैं एक आज नया दवा का रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसे सुमोल सिरप के नाम से जाना जाता है। इस दवा का प्राइस, उपयोग, साइड इफेक्ट, शॉर्ट नेम, कंपोजिशन सब बताने वाला हूँ। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन वर्सेस नेचुरल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस दवा को एल्कन कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक फेमस कंपनी है। इस दवा की प्राइस की बात करें तो 60 ml की बोतल 61 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे, जो कि समय के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। यह दवा आपको कोई भी लोकल केमिस्ट की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। सोमो सिरप की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, पहला पैरासीटामोल और दूसरा मेनोफेनिक। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस दवा का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। उपयोग की बात करें तो इस दवा का मुख्यतः उपयोग बच्चों में बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, और इस दवा का उपयोग बच्चों में सर्दी बुखार को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो बुखार, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, कफ, दमना इत्यादि में किया जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं इस दवा का दुष्प्रभाव क्या क्या है। सोमो सिरप की साइड इफेक्ट की बात करें तो गैस होना, पेट दर्द करना, सूजन आना, भूख कम लगना इत्यादि शामिल है। इस दवा का दुष्प्रभाव इलाज के बाद जल्द ही समाप्त हो जाती है। हालांकि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला, स्तनपान कराने वाले महिला, इनके साथ साथ किसी की सर्जरी हुई हो, उन लोगों को लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। डोज की बात करें तो इस दवा को 5 से 8 साल के बच्चों को दिन में 5 ml दो बार देना चाहिए, लेकिन आपके डॉक्टर आपको जैसे बोले वैसे ही लेना है। तो दोस्तों जब भी इस दवा को ले डॉक्टर की सलाह से ही ले, अन्य कोई भी आपको सलाह दे तो आप उनकी सलाह बिल्कुल ना माने, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि इसे किसी अन्य दवा के साथ लेने से शरीर में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी इस दवा को ले डॉक्टर से पूछ कर ही ले। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।